funky. My darling, I love you, 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 I Namaste, hello everyone. So if you're new to this channel, hi, my name is Trishla and welcome back to my YouTube channel, which is God's Own Girl. Please take a moment and subscribe to my channel below. So as you see from thumbnail and the title, कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है. So today I'm going to show you my bags haul. मेरे पास इतने कुछ ज्यादा bags नहीं है, but जो भी bags है मैं आपके साथ जरूर share करने वाली हूँ. So starting with my current favorite bag, which is from Meesho, and this one is a huge टोट बैग एंड शोल्डर बैग, एंड इसकी कुछ इस टाइप की स्ट्रैप्स आती. मुझे थोड़ी सी स्ट्रैप्स अजीब सी लगी थी, बट ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ दिस बैग इज सो गुड एंड इट्स रिटेल मी अराउंड 400 रुपीज. एंड 400 रुपीज के अंदर ये काफी अच्छा बैग है. बहुत सारी स्पेस है गाइस इसके अंदर, बहुत सारी स्पेस. एंड ये सेटन का थोड़ा सा रिबन आता है, थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए. सो दिस वन इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट. इसके अंदर मेरे निविया के छोटे मोटे जो भी मुझे पीआर के लिए पाउचेस आए थे वो पड़े हैं. सो ये मैंने ट्रैवल के लिए इसके अंदर रख रखे हैं, बिकॉज अभी मुझे कहीं ट्रैवल करना है शादी के लिए. सो वहां पर काम आ जाएगा. देन दिस वन इज द सेकेंड कंपार्टमेंट. बहुत अच्छी स्पेस है, यू कैन सी. जो इतना स्पेस जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला इतना स्पेस इसके अंदर है. एंड इसके अंदर मैंने ये रख रखे हैं मेरा फोन और चश्मा क्लीन करने के लिए. आई डोंट नो मैं बैग में क्या क्या रखती हूँ. सो इफ यू वांट टू सी व्हाट्स इन माय बैग, देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा उस वीडियो में भी. सो दिस वन इज द थर्ड एंड लास्ट चेन. इसके अंदर अभी मैंने कुछ नहीं रखा है. मोस्टली मैं अभी इस बैग को कहीं इतना लेकर नहीं गई हूँ, एक बार या दो बार इसको लेकर गई हूँ, बट इट लुक्स सो गुड. ये बहुत चीप टाइप का लेदर नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदर है. अगर ये थोड़ी सी स्ट्रैप इसके साथ में अच्छी क्वालिटी की दे देते ना, बिकॉज ये थोड़ी सी फ्लिम्सी है, बहुत अजीब सी है. सो अगर ये थोड़ी सी इसके अकॉर्डिंग ही लेस भी दे देते, मतलब स्ट्रैप्स भी दे देते ना, तो ये बैग को चार चांद लग जाते गाइस. एंड बाय द वे ये अच्छा है, मैं इसको लेकर कहीं भी जा सकती हूँ. इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ जाएगा और इनफैक्ट मेरा लैपटॉप भी आ जाएगा इसके अंदर. सो दिस वन इज माय फर्स्ट बैग. देन द सेकंड बैग इज माय मोस्ट फेवरेट बैग. दिस वन इज अ ब्लैक एंड व्हाइट बैग. ये मैंने किसी लोकल मार्केट से लिया था. अगर मुझे वो लोग पेज मिल गया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. काफी अच्छे से इसे अटैच हो जाता है एंड डिटैच भी हो जाता है. सो ये वाली चेन मैंने किसी दूसरे बैग की लगाई थी. मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन सा बैग था जिसकी मैंने स्ट्रैप्स निकाली थी. ये वाली नहीं है, ये प्लास्टिक की चेन है. मैंने इसको अटैच किया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा शोल्डर बैग टाइप लेना था इसलिए. और इसकी जो ये है वो बहुत ज्यादा बड़ी है. और इसके साथ में ये वाली चेन आई थी जिसका थोड़ा बहुत कलर निकल चुका है, बट फिर भी बहुत अच्छी लगती है. एंड इस बैग की क्वालिटी काफी अच्छी है मेनली गाइस. इनर जो लाइनिंग्स है वो लोकल जो भी होती है वो है. तो इसके अंदर पड़ा है मेरा फास्ट ट्रैक का मिनी परफ्यूम जो मैं ट्रैवल के लिए यूज में लेती हूँ. देन कॉम्ब और ये दो लिपस्टिक्स, बिकॉज मुझे ट्रैवल वगैरह करना होता है तो कभी भी किसी भी बैग में एक लिपस्टिक तो होनी चाहिए. एंड दिस रबर बैंड एंड दैट्स इट. सो या एंड ये ऐसा कुछ ऐसा लॉक होता है काफी अच्छे से. अगर ये मुझे कहीं ऑनलाइन मार्केट में भी दिखाना तो मैं आपको उसका लिंक जरूर शेयर कर दूंगी. एंड ये कुछ इस टाइप से वन टच बटन के साथ में आता है, ऐसे अच्छे से लॉक हो जाता है. एंड ये जो डिटेलिंग दी है ना इसके ऊपर, ये काफी अच्छी लगी मुझे, ये गोल्ड डिटेलिंग. इसकी वजह से ये थोड़ा बैग बहुत अच्छा लगता है. और इसका कलर मेनली मुझे ये बैग पसंद आता है इसके कलर के लिए, बिकॉज ये जो काउ प्रिंट वाला कलर होता है ना अभी बहुत ट्रेंड में था. सो आई बॉट दिस वन. देन द थर्ड बैग विच आई यूज्ड मोर देन अ ईयर, जो मैंने काफी यूज में लिया है. सो दिस वन इज अ शाइनी व्हाइट और क्रीमी शेड शोल्डर बैग, और एज अ स्लिंग बैग भी आप इसको यूज कर सकते हो. और जो मैंने आपको स्ट्रैप्स बताई थी ना, मतलब चेन जो बताई थी ना, वो इस बैग की थी, तो मैंने उस बैग में लगा ली थी क्योंकि मैं उसको यूज कर रही थी. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल क्रीमी शाइनी बैग. इसके ऊपर जो ये शाइनी से आप देख रहे हो ना, ये बहुत अच्छा शाइनी इफेक्ट है. मतलब ये कपड़ा ही ऐसा है जो यहाँ की जो स्टिचिंग की है ना, रफल्स दे के बहुत अच्छी लग रही है. बहुत अच्छे से स्टिच किया हुआ ये बैग. एंड इसके अंदर काफी
काफी स्पेस है गाइस, बहुत अच्छे से आप इसको एज अ शोल्डर बैग भी लगा सकते हो और इसको खींचने के बाद आप इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हो। सो इसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे, इसके अंदर ब्लैक कलर भी था, क्रीम कलर भी था, पिंकिश कलर भी था एंड आई गेस ब्लू कलर भी था। सो ब्लैक कलर मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा था, पिंक एंड ये वाला कलर ही थोड़ा पॉप आउट होके बाहर आ रहा था। सो आई थॉट कि मेरे पास व्हाइट बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है, सो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया एंड आप इसको वॉश भी कर सकते हो। मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया, व्हाइट है तो ज्यादा गंदा भी हो जाता है बट डोंट वरी गाइस यू कैन बाय इट। और ये मैंने मीशो से लिया था। देन माय फोर्थ फेवरेट प्रोडक्ट इज दिस। इसके अंदर बहुत सारी जिप्स है, यहाँ पीछे भी है तो बहुत सारे आपको स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ पर आप छोटी छोटी चेन्स, इयर रिंग्स, कॉइन्स वगैरह रख सकते हो दोनों साइड में। यहाँ पर जो बड़ा कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर आप अपने कुछ भी कैश वगैरह रख सकते हो, कार्ड्स वगैरह रख सकते हो। और इसको मंगाए हुए भी अराउंड 4 इयर्स हो चुके हैं। देन यू कैन यूज, जहाँ पर आप अपना सारा का सारा कैश, कार्ड, लिपस्टिक, ग्लासेस वगैरह सब कुछ रख सकते हो। देन पीछे वाली चेन में भी आपको कुछ सीक्रेटली रखना हो कैश वगैरह तो रख सकते हो। एंड काफी अच्छा लगता है जब आप इसको शोल्डर पे ऐसे लगा के घूमते हो या वेस्ट पे लगा के घूमते हो, ये काफी अच्छा लगता है। और इसको मैंने परचेज किया था अमेजोन से एंड अराउंड कुछ 300 रुपीज का मुझे उस टाइम पे पड़ा था। आई डोंट नो अभी इसका प्राइस क्या है। आई जस्ट लव दिस बैग, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो ये गाइस। बट अभी मैं इसको यूज नहीं कर पा रही हूँ बहुत टाइम से, लेट्स सी कब इसको यूज करने को मिलता है। देन द फिफ्थ वन इज नॉट अ बैग, लाइक अ कैजुअल बैग जिसको लेकर आप कहीं भी जा सकते हो। दिस वन इज अ लैपटॉप बैग विच आई बॉट फ्रॉम मीशो अराउंड 250 रुपीज और 300 रुपीज, मुझे इसका प्राइस बिल्कुल याद नहीं है। और ये कुछ ग्रे कलर का बैग है, इसके 2 कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप चार्जर रख सकते हो, माउस रख सकते हो, मैंने यहाँ पर माउस रख रखा है। देन इस वाली चेन में नीचे तक आप इसको, यहाँ तक है तो एंड तक है, तो आप इसके अंदर कुछ भी फाइल्स वगैरह, पेपर वगैरह भी रख सकते हो। देन आपके पास में मिलती है आपको ये मेन चेन जिसके अंदर मैंने अपना लैपटॉप रख रखा है। और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे लगा था मेरा लैपटॉप इसके अंदर आएगा नहीं बट लैपटॉप बहुत अच्छे से आ गया है। इसके अंदर माउस भी आ गया है, चार्जर भी आ गया है, सब कुछ आ गया है। और यू कैन सी यहाँ पर एक हैंडल दे रखा है, अगर आपको इसको ऐसा लेकर जाना है तो भी लेकर जा सकते हो। बट हाँ, एक माइनस पॉइंट है, इसके साथ कोई स्ट्रैप नहीं है तो आप इसको ऐसे लगा के नहीं जा सकते हो, आपको ओनली ऐसे ही पकड़ के ले जाना पड़ेगा या ऐसे पकड़ के ले जाना पड़ेगा। बट द क्वालिटी वाइज इट्स सो गुड, काफ़ी अच्छे से, मतलब आप, मैं बता नहीं सकती, काफ़ी अच्छा है। एंड अगर आपको लैपटॉप बैग चाहिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, क्योंकि मैं इसको कहीं लेकर जाती नहीं हूँ लैपटॉप को, मैं जो घर पे एडिटिंग करनी होती है जब काम नहीं होता है तो मैं लैपटॉप को इसके अंदर डाल के पैक करके रख देती हूँ ताकि इसके अंदर कोई डस्ट डर्ट वगैरह नहीं जाए, क्योंकि डस्ट डर्ट की वजह से मेरा लैपटॉप पहले बहुत बार ख़राब हो चुका है। सो अब मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सो आई बॉट दिस बैग। अगर आपको इसका कोड चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट, मैं सारा नीचे मेंशन कर दूंगी इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो दिस इज़ अ क्यूट ग्रे लैपटॉप बैग विच हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स। Then I left with 2 bags which you can use on wedding or any functions. So this one is a portly bag. This is a multicolor portly bag. ये मैंने हरिद्वार से लिया था। So this one is beautiful pearl design वाला, pearl and mirror work वाला multicolor portly bag, golden and multicolor है इसके अंदर। और ये आपके traditional wear के साथ में काफी अच्छा लगता है। इसका cost कुछ 100 rupees था। सो 100 rupees देखते ही मैंने तो उसको ले लिया। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल 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 बैग। इसके अंदर काफ़ी स्पेस है तो आप आराम से इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट, एक लिपस्टिक और अपना फ़ोन भी रख सकते हो। अगर मुझे इसका ऑनलाइन में कहीं पर भी इससे रिलेटेड इसके जैसा कुछ मिल गया तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक या कोड भेज दूंगी। देन द लास्ट एंड माय फेवरेट क्यूट पाउच इज दिस वन। ये मुझे मेरी कजन सिस्टर ने गिफ्ट किया था, मतलब इनफैक्ट वो सारी सिस्टर्स के लिए ऐसे पाउचेस लेके आए थे और मैंने इसको अभी तक संभाल के रख रखा है। आई गेस इसको 4 to 5 ईयर्स हो चुके हैं एंड दिस वन इज
ये ऐसे लॉक हो जाता है एंड इसके अंदर आपका कार्ड वगैरह छोटे मोटे सामान आप इसके अंदर डाल सकते हो। ये इतना कुछ ज़्यादा स्पेस कैरी नहीं करेगा, बट इसके अंदर आप आपका फोन रख सकते हो। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ आने वाला है, बट फॉर द वेडिंग सीजन आई क्वाइट लाइक दिस वन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। देन लास्ट बैग जो मैं नहीं दिखाना चाहती थी बट आई थॉट कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल होगा, तो दिस वन इज मेकअप और जो भी आपके लिए एसेंशियल्स होते हैं, मेकअप, बॉडी केयर, बाथरूम किट या फिर आपके अंडर गार्मेंट्स वगैरह कुछ भी रखने के लिए, सॉक्स वगैरह रखने के लिए आप इस बैग को यूज कर सकते हो। सो मैंने इसको वी मार्ट से लिया था, हमारे यहाँ पर वी मार्ट है, तो वहां से मैंने इसको लिया था एंड ये 100 rupees का कुछ था। इसके अंदर मैंने अपने बहुत सारे आई लैशेज और बिंदी वगैरह रख रखी है, हेयर क्लिप्स वगैरह रख रखी है फिलहाल, एंड मैंने इसे 2 लिए थे। सो मुझे कहीं भी जाना होता ना, इसके अंदर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स डाल देती हूँ और मेरा काम सॉर्टेड हो जाता है। सो मुझे ट्रैवलिंग के लिए बहुत इजी हो जाता है। सो ये ट्रैवलिंग पाउच आपके लिए भी बहुत इजी होगा, मगर मुझे मीशो या अमेजोन कहीं पर भी ऐसा सिमिलर कुछ मिला, और अगर आप उदयपुर में रहते हो तो आप वी मार्ट जाके ला सकते हो। अगर मुझे इसका सिमिलर कहीं ऑनलाइन मिल गया तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी इसका लिंक या कोड जो भी होगा वो मैं डाल दूंगी। सो या दैट्स द फाइनल बैग। बैग बोलते बोलते मैंने आपको पता नहीं क्या बैग के साथ में क्या क्या दिखा दिया। आई थॉट के बैग्स तो सभी दिखाते, कुछ हेल्पफुल चीजें जो मैं यूज करती हूँ और मेरे लिए काफी हेल्पफुल है, सो व्हाई नॉट आपके साथ भी शेयर किया जाए। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, वेडिंग सेक्शन से लेकर कॉमन गैदरिंग और यूज, ट्रैवलिंग सबसे रिलेटेड मैंने आपको बैग्स बता दिए हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज गॉडसन गर्ल। आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सो प्लीज जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं अभी रिसेंटली डेली शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, तो इनकेस अगर आपसे वो मिस हो जाता है तो आज अभी जाकर मेरे चैनल से क्लिक करके सारे वीडियोज आप देख लीजिए एंड उनको लाइक कर दीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, शो योर लव, बाय।